आज हम लोग सारी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट को पढ़ेंगे जो काफी यूजफुल होगा जी आपको प्रॉब्लम्स बनाने में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टीज को देखिए, प्रॉपर्टीज नंबर वन। ठीक है, ध्यान से देखेंगे जी, है ना, और समझने का प्रयास करेंगे। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट The value of determinant remain unchanged if we interchange its rows into corresponding column। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसका कहने का मकसद क्या है कि द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज्ड। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट में कोई बदलाव नहीं होता है, अनचेंज मतलब चेंज नहीं होता है, यदि हम लोग इफ वी इंटरचेंज, यदि हम लोग बदल दे इट्स रोज को इनटू कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम, यानी कि रोज को हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम, यानी फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम में बदलेंगे, सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम बदले। अगर ऐसा हम कर पाते हैं किसी डिटरमिनेंट को, है ना, तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। जैसे मैं दिखाता हूं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज मान लीजिए यहां पर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इसका ऑर्डर है n इंटू n, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ना। मान लिया मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है। चलिए हम इसको दो तरीके से बता रहे हैं कि एक आप a का डिटरमिनेंट निकालो, आपका वैल्यू मिलेगा कुछ, है ना। लीजिए मैं मार्क लेता हूँ 3562, ठीक है, इसका वैल्यू निकालेंगे, है ना। देखिए कितने आते हैं, पहले डिटरमिनेंट के रूप में अगर कर देंगे तो समझ लीजिए ना, ये ऐसा हम लोग कर लिए 3562, है ना, और नहीं तो ऐसे डायरेक्ट लिख सकते थे 3 2 6, है ना। चलिए कितने हो जाएंगे बताइए जी, 6 - 30, ठीक है, तो बताइए कितने हो गए, 6 - 30 घटेंगे तो हाँ -24, कोई दिक्कत नहीं ना है। थ्री ऑर्डर भी हम लोग करेंगे, हम बोलना जो चाह रहे हैं प्रॉपर्टी जो है उसका मतलब समझिए कि एक कोई भी मैट्रिक्स हो या कोई वैल्यू हो, अगर उसका डिटरमिनेंट निकाले, ये निकला एंड जो प्रॉपर्टी दूसरा है कि अगर हम इसका ट्रांसपोज का वैल्यू निकाले, है ना, इंटरचेंज कर दे या हम डैश से दिखा दे, है ना, तो डैश जब दिखाएंगे तो डैश का क्या लिखा जाएगा जी, डैश का मोड निकालेंगे तो इंटरचेंज निकालेंगे, मोड बोल दिए, ठीक है, तो इंटरचेंज करिए इसको, रो फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट कॉलम में लिख लीजिए 3 5, ये सेकेंड रो है, सेकेंड कॉलम में लिख लीजिए 6 2, ठीक है, इस तरह आपने कर लिया, कितने हो जाएंगे 3 2 जा, पहले इस तरह करके, है ना, 6 - 6 5 30, तो 6 - 30 घटेंगे तो -24, है ना। तो दैट इज क्या मिला कि ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू होता है ए के ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट के बराबर, ठीक है। यानी कि अगर हम इंटरचेंज कर दे, पहले मैं कोई मैट्रिक्स हो, चाहे टू ऑर्डर का हो या थ्री ऑर्डर का हो, ध्यान देना जी, है ना, मैं टू ऑर्डर का ले लिया कि इजी से आपको समझा सकूं, ठीक है। तो टू ऑर्डर का हो या थ्री ऑर्डर का हो, उसका डिटरमिनेंट अगर हम निकाले, जो वैल्यू आएगा ना, उसका इंटरचेंज करने के बाद भी वैल्यू वही आएगा, ये प्रॉपर्टीज पहला है, ठीक है। आप डिटरमिनेंट ए बराबर डिटरमिनेंट ए का ट्रांसपोज दिखा सकते हैं, या ऐसा भी कभी कभी आ सकता है डेल डिटरमिनेंट ही दिखाते हैं डेल डैश, ठीक है, बहुत यूजफुल होगा ये प्रॉब्लम बनाने में, ठीक है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल बता दूं, और मान लीजिए ऐसा है, है ना, डेल बराबर है, ठीक है, 1 3 5 6 8 9 2 2 5, ठीक है। अब इसका डेल डैश निकालिए, डेल डैश निकालिए, रो है ना फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम बदल दो 1 3 5, ठीक है, 6 8 9
सिक्स एट नाइन, फिर टू टू फाइव, टू टू फाइव, क्लियर है। जो इसका वैल्यू आएगा मैं बना ही देता हूं, चलो वन लोगे है ना, डिटरमिनेंट की वैल्यू किस तरह निकालते है ना, एक्सपेंडिंग करके निकालते है ना, तो वन लीजिए, इसके हिसाब से ये रो डिलीट, ये डिलीट है ना, ये बचा चार एलिमेंट है ना, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते फटाफट, आठ पर चालीस माइनस नौ दुनी अठारह, ये वैल्यू हो गया। फिर आप यहां पर इसका ले वैल्यू, ये हो चुका है, इसको ले तो यहां पर क्या लेंगे, माइनस लेंगे, क्योंकि पहले प्लस वाला लिया जाता है, उसके बाद यहां माइनस में लिया जाता है, फिर उसके बाद प्लस में, है ना, साइनस मेथड हमने आपको बताया था डिटरमिनेंट का। चलो डिलेट डिलेट बताओ, ये वाला ये वाला ये बचा ये बचा, छह पच तीस माइनस उतनी अठारह, ठीक है, प्लस पांच, ठीक है, डिलेट डिलेट, पांच दुनी दस, सॉरी छह दुनी बारह, माइनस आठ दुनी सोलह, ठीक है, चालीस में से अठारह घटेगा, कितने बचेंगे बताइए फटाफट, है ना, बाईस बचेंगे, है ना। अब देखिए यहां पर तीस में से अठारह घटा, कितने बचेंगे, बारह, भारतीय छत्तीस है ना, माइनस छत्तीस, ये देखिए बारह में से सोलह घट गया, माइनस चार, और माइनस चार को जब पांच से गुना करोगे तो माइनस ट्वेंटी, बीस हो गया, ठीक है। आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितने मिलेंगे, माइनस थर्टी फोर, ठीक है, ये सिंपल सा डिटरमिनेंट आपको इसको निकाला। और दूसरा मैंने बताया था कि देखो इंटरचेंज कर दिए हैं, है ना, इसका वैल्यू सेम आना चाहिए, यही प्रॉपर्टीज है कि डिटरमिनेंट का अगर रो या कॉलम जो है इंटरचेंज कर दिया जाए, कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम है ना, तो आपका क्या होगा, वैल्यू सेम आएगा, देखते हैं इसका भी। ये देखिए समझ लीजिए, मैं इधर इसका यहां से बना रहा हूं जी, है ना, चलो बन लेते हैं, डिलेट डिलेट, आठ पर चालीस माइनस नौ दुनी अठारह, माइनस सिक्स हो जाएगा, फिर यहां माइनस लेंगे, डिलेट डिलेट, छ तीन पच पंद्रह, माइनस पांच दुनी दस, ठीक है, प्लस टू, डिलेट डिलेट, नौ दुनी नौ तीस सत्ताईस, माइनस आठ पच चालीस, ठीक है, घटाइए इधर, तो यहां पर आपको बचेंगे कितने, बाईस है ना, पैंतीस में से दस घट गया, पंद्रह नौ, पैंतीस में से दस घटेगा तो ये वाला वैल्यू देख लेते हैं फिर से जी, सिक्स दिए थे, डिलेट डिलेट, तीन पच्चीस पंद्रह हो गए ना भाई, है ना, और उसके बाद दस, ठीक है, पंद्रह में से दस घट गया, कितने बचेंगे जी, पांच है ना, पांच छह का तीस, माइनस तीस, आराम से करना है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है ना, प्लस सत्ताईस, ये इसका भी देख लेता हूँ मैं, चेक कर लेता हूँ, डिलेट डिलेट, नौ तीस सत्ताईस, माइनस चालीस, ठीक है ये, ठीक है, तो आपके बचे हैं यहाँ कितने, माइनस तेरह दूनी छब्बीस, माइनस छब्बीस, ठीक है, चलो अब इसको कर लेते हैं कैलकुलेशन, ठीक है, बाईस माइनस तीस और छब्बीस कितने हो गए, छप्पन है ना, घटाइए, बाईस में से छप्पन घटेंगे बताइए, तो माइनस कितने बचेंगे, चौंतीस, ठीक है, तो इस तरह से प्रॉपर्टीज आपका वेरीफाई हो गया, क्लियर ना, डेल्टेस का वैल्यू आ चुका है, यानी कि सिंपल से बात है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज यही है कि द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज्ड है ना, इफ वी इंटरचेंज इट्स रो इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम, ठीक है, याद रखेंगे इसको, लिख लेंगे आप लोग, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंड प्रॉपर्टी देखेंगे अब हम लोग, देखिए इफ वी इंटरचेंज, यदि हम लोग बदले है ना एनी टू रोज और टू कॉलम, दो रो या दो कॉलम को बदल लेते हैं ना, देन डिटरमिनेंट्स, जो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा ना जी, चेंज बाय साइन, केवल साइन में बदलाव होगा बस, ठीक है, जैसे कहने का मेरा मकसद है कि मान लीजिए कि डेल बराबर आपका है, ठीक है, वन थ्री फाइव सिक्स एट नाइन है ना, वन टू थ्री कुछ भी, ठीक है, अगर मैं इस ये आप वैल्यू निकालेंगे है ना, और एक मैं इंटरचेंज कर देता हूं, ठीक है, मैं इंटरचेंज कर रहा हूं तो किसी दो रो को या दो कॉलम को है ना, इसको यहां कर लीजिए, इसको यहां कर लीजिए, कहीं भी दो इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है, रो को या कॉलम वे में, ठीक है, चलो
तो रो ही में करके दिखते है ना, हमने यहाँ लिखा टू टू रोज है ना, दो रो में करो या दो कॉलम में करो, जिस वे में आप ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केवल जो बदलेगा तो क्या बदलेगा, साइन बदलेगा डिटरमिनेंट का, मतलब वैल्यू। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि हम इंटरचेंज कर लेते हैं ये वाले को, हाँ सेकेंड रो को फर्स्ट में कर लेते हैं, सिक्स एट नाइन हो गया। ठीक है, इसको यहां लेकर आ जाइए, वन थ्री फाइव, वन टू थ्री, इसी तरह से रहेगा। तो ये जो दोनों वैल्यू होगा ना, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम होगा, लेकिन साइन में केवल बदलाव होगा। ठीक है, इफ वी इंटरचेंज एनी टू रोज और टू कॉलम देन डिटरमिनेंट चेंज बाय साइन। ठीक है, ओनली। चलो इसका वैल्यू निकाल के दिखा दो मैं आपको। ठीक है, सारा कुछ प्रूफ करके आपको बता देंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा कि हाँ सर आप और पढ़े जो लिख लिए लिख रहे वो उसका प्रूफ कैसे करें, है ना। तो प्रूफ आप बिल्कुल देख सकते हो आप, वन लो डायरेक्ट डायरेक्ट 24 माइनस नौ दुनिया 18 माइनस 3 डायरेक्ट डायरेक्ट 6 3 18 माइनस 9। ठीक है, फिर कितना लेंगे, प्लस 5 लेंगे, है ना, डायरेक्ट डायरेक्ट 6 2 12 माइनस 8। ठीक है, 24 में से 18 घटेगा, है ना, कितने बचेंगे, 6 6 1 6 6 के 6 18 में से 9 घटेगा, 9 9 3 27 माइनस 27 12 में से 8 घटिए 4, है ना, 4 5 20। ठीक है, क्लियर ना, 20 में 27 घटिए माइनस 7 प्लस 6 यानी कि आपको मिलेंगे कितने, माइनस 1। ठीक है ना, ये आपने सिंपल सा डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाला तो यह मिला ये, और आपने इंटरचेंज करके यहां पर लिख रखा है, तो चलिए है ना यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि मैंने क्या किया है, R1 को इंटरचेंज कर दिया है R2 में और R2 को R1 में। ठीक है, ऐसा, चलो इसका भी निकाल लेते हैं, 6 लिया। ठीक है, डिलेट डिलेट 3 3 9 माइनस 10 है ना, माइनस 8 डिलेट डिलेट 3 1 3 माइनस 5। ठीक है, प्लस 9 होगा, इधर ले लेता हूं मैं आपको, डिलेट डिलेट 1 2 ये 2 है ना, 2 माइनस 3 9 में से 10 घट गए माइनस 1, माइनस 1 को 6 से गुणा करोगे तो माइनस 6 हो जाएंगे, है ना, 3 में से 5 घट गए तो कितने बचे, माइनस 2, और माइनस 2 को 8 से गुणा करोगे माइनस 8 से तो प्लस 16, 2 में से 3 घट गए माइनस 1 इंटू 9 तो माइनस 9 हो गए, है ना, तो 16 माइनस 16 पहले से बराबर लिख दिया, 9 और 6 कितने हो गए, 9 और 6 15 माइनस 15 हो जाएंगे, है ना, तो देखिए तो कितना आएगा जी, 16 में से 15 घटेगा तो 1 बचेगा। ठीक है, ये वैल्यू आपको माइनस मिला था, ये वैल्यू क्या मिला, प्लस मिला, केवल क्या किया हम लोग, दो रो को इंटरचेंज कर दिए। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड प्रॉपर्टीज प्रूफ हो गया, क्लियर ना। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 3 है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है जी, है ना, क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। ठीक है, इफ एनी टू रोज, कोई दो रो और कॉलम है ना, या दो टू कॉलम्स बात कर रहा है, ऑफ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब कि सेम होना चाहिए, सेम हो, देन इट्स वैल्यू इज जीरो, डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। जैसे आप इस तरह से देख कर समझ सकते हैं, मान लीजिए डिटरमिनेंट है, ठीक है, यहां पर मैंने वैल्यू लिख दिया है, ठीक है, मैं वैल्यू लेना अच्छा समझता हूं क्योंकि वैल्यू सब समझ सकते हैं कि हाँ हो क्या रहा, 5 6 8 है ना, 1 2 3। ठीक है, चलो अब यहां पर मैं इसका वैल्यू निकालू क्या आएगा, ध्यान रखिए क्या आएगा, जीरो आएगा। सर बोलिए कैसे जीरो आ गया, हाँ बिना बनाए हुए, कहा देखो बता सकते हैं आप, यहां पर यहां देखो तो R1 और R2 जो है, सॉरी R1 और R3 जो है वो आइडेंटिकल है, यानी R1 में 1 है तो R3 में भी पहले प्लेस पर 1 है, 2 है 2 है, 3 है 3 है, समझे बात को, तो दो रो, कोई दो रो, ठीक है, या और कॉलम की बात कर रहा, कॉलम डायरेक्शन भी अगर मिल सकता है तो उसके भी हिसाब से जीरो ही होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए हम लिखेंगे किस तरह से यहां पर, ठीक है, मैंने बता दिया कि जीरो होगा, लेकिन हेयर आप बना के भी देख सकते हैं डिलीट करके, समझे बात को, तो आपको मिलेगा वैल्यू जीरो ही मिलेगा। ठीक है, हेयर लिखेंगे किस तरह, और देखिए
हेयर आर वन एंड आर थ्री आर आइडेंटिकल आइडेंटिकल, ठीक है, सो इट्स वैल्यू बी जीरो या वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट भी जीरो। क्लियर? तो हम लोग देखकर प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि हाँ सर देखिए आर वन है आर थ्री है आइडेंटिकल, हो सकता है आर वन आर टू मिल जाए, हो सकता है आर टू आर थ्री मिल जाए, है ना, ये थोड़ा सा देखना होगा, गौर करना है बस, ठीक है। कॉलम के थ्रू बता दूं आपको कि मान लीजिए ऐसा डिटरमिनेंट दिया है 169253, यहाँ पे लिख दिया 253, जानते हो उसका वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो कॉलम टू और कॉलम थ्री जो है वो आइडेंटिकल है, 225533, है ना बात को, तो लिखेंगे हेयर सी टू एंड सी थ्री आर आइडेंटिकल, ठीक है, सो इट्स वैल्यू भी जीरो, ठीक है, जीरो आंसर हो गया। क्लियर? तो बिना बनाए हुए आप ऐसा लिख सकते हैं, टिक कर सकते हैं, टिक करने वाला आएगा तो आप प्रॉपर्टी देखकर यार ये तो हो रहा है इस तरह का, तो ये जीरो होगा, ठीक है, आपने तो चेक भी कर सकते हैं, समझे बात को। चलिए आगे प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर चार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे भी आप ध्यान से देख लेंगे करेंगे, ठीक है ना, बहुत सिंपल भी है। इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मान लीजिए कोई ए जो है वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर करने का मतलब रो कॉलम बराबर होंगे, है ना, बता चुका हूं मैं, ठीक है। मान लीजिए कि ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन, ऑर्डर रहेगा ना, दो का दो तीन है, टू बाय टू का, थ्री बाय थ्री का, फोर बाय फोर का, ठीक है, तो ऑर्डर एन मैंने लिख लिया, कितना भी हो सकता है, ठीक है। देन कॉन्स्टेंट इंटू ए मैट्रिक्स या ए है ना मैट्रिक्स, उसका डिटरमिनेंट अगर निकालना रहे तो उसका कितना वैल्यू बराबर आएगा, कॉन्स्टेंट जो रहेगा ना कॉन्स्टेंट लिखेंगे और जो ऑर्डर रहेगा ना उसको पावर में लिखेंगे, ठीक है, के पावर एन इंटू डिटरमिनेंट ए होगा, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल थ्रू बताता हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मान लीजिए ए का वैल्यू है आपके पास 2569, ठीक, इसका ऑर्डर कितना हो गया 2/2 का, है ना, अगर आपसे बोल लिया फाइंड करो 5a का डिटरमिनेंट का वैल्यू, ठीक है, 5a का डिटरमिनेंट, तो आप क्या कर सकते, आप तो बनाओगे ना, ठीक है, तो आप ऐसा पहले लिखो, यहां पर k कितना हो गया 5 हो गया, है ना, तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं जी, k a का डिटरमिनेंट, यही तो होता है ना, तो 5a का डिटरमिनेंट क्या लिख सकते हैं, k के पावर n, यानी कि 5 के पावर n, n क्या होता है ऑर्डर, ऑर्डर इसका कितना है जी 2, ठीक है, और फिर क्या लिखते हैं a का डिटरमिनेंट, समझे बात को, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, ए का डिटरमिनेंट, ए का डिटरमिनेंट, तो इसको लिख लीजिए डिटरमिनेंट करके इस तरह करके, है ना, नहीं तो डायरेक्ट वैल्यू यूज कर सकते थे, लेकिन लिख देता हूं मैं 2569, है ना, 25 9 दुनी 18 माइनस 6 25 30, ठीक है, तो कितने हो गए 25 गुणा 18 में से 30 घटेगा तो कितने बचेंगे, है ना, माइनस 12, है ना जी, जैसे गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 300, है ना, माइनस 300, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से आप कितना इजी में बना सकते हैं, ठीक है, चाहे टू ऑर्डर कर रहे या थ्री ऑर्डर कर रहे। मान लीजिए एक और मैट्रिक्स मैं ले लेता हूं, मान लीजिए ए इज इक्वल टू, मैं यहां ले रहा हूं मैट्रिक्स ले लेते हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6 और 2 5 1, कुछ भी हो सकता है ना, आपको बोल दिया कि मान लो कि मान लीजिए 3a का डिटरमिनेंट निकालो बराबर व्हाट क्या होगा, ठीक है, तो आप जस्ट लिखना तो जानते हो ना कि सॉल्यूशन किस तरह से करोगे, कि सिंस हम लोग लिखेंगे कि 3a का डिटरमिनेंट को हम लोग लिख सकते हैं 3, ये तो 3 ये वाला वैल्यू है ना लिखा, चलो इसका ऑर्डर बताओ कितने ऑर्डर है, एक रो दो रो तीन रो, है ना, कॉलम कितने, एक दो तीन, है ना, 3/3 का, यानी कि ऑर्डर 3 है मेरे, तो पावर लगा दिया इंटू ए का डिटरमिनेंट, है ना, k
के पावर एन यानी कि 3 के पावर एन, एन यहाँ कितना 3 है, फिर डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट ए लिख दिया, तो आप इसको कितना लिख सकते हैं 27 और फिर ए का डिटरमिनेंट जो वैल्यू निकलेगा है ना उसे आप इसमें से गुणा कर लेंगे ये वैल्यू के साथ, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझे बात को, तो काफी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डिटरमिनेंट का वैल्यू दिया रहता है और बोलता है कितना निकालो, ठीक है। मान लीजिए जैसे मेरे कहने का मकसद क्या है वो थोड़ा ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि एक डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट का वैल्यू दे दिया 5 या कुछ भी, ठीक, तो आपको बोलेगा कि 6 ए का डिटरमिनेंट का वैल्यू बताओ, जिसका ऑर्डर इसका लिख देगा, ऑर्डर है जो 2/2 का है ना, ऑर्डर 2 है या 2/2 ऐसा दे देगा, ठीक। तो इसको कैसे निकालोगे आप, तो 6 के पावर 2 इंटू डिटरमिनेंट ऐसा लिखोगे ना पहले, तो 36 गुणे ए का डिटरमिनेंट 5, अब इसको गुना करके लिख लेगा आंसर है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जी, 6 × 35 = 0 हाथ मच गया 1, सॉरी 6 × 35 = 0 हाथ मच गया 3, 5 × 3 = 15 और 3 × 18, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज नंबर 5 है ना, ए बी दो मैट्रिक्स है उसके प्रोडक्ट दिए हुए, ठीक है, इस तरह करके, तो ए बी का डिटरमिनेंट बराबर जानते हैं क्या लिख सकते हैं आप, दोनों अलग अलग डिटरमिनेंट लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी, ठीक है, इतना आप ऐसा लिख सकते हैं, यूज कर सकते क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। चलिए प्रॉपर्टीज नंबर 6, डिटरमिनेंट ए के पावर एन अगर है ना, डिटरमिनेंट ए के पावर एन इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ए उसके ऑर्डर पावर एन, इस तरह करके, ठीक है, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट, डिटरमिनेंट ए के पावर एन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ए, ठीक है, और उसके होल पावर एन लिख सकते हैं, ठीक है। चलो प्रॉपर्टीज नंबर 7, प्रॉपर्टीज नंबर 7 है ना, इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट, यदि ईच मतलब प्रत्येक, ठीक है, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ एनी वन ऑफ द रो एंड कॉलम, यदि किसी डिटरमिनेंट है उसका रो या उसका कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट 0 हो, ठीक है, क्या हो 0 हो, देन डिटरमिनेंट्स वैल्यू भी 0, तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा 0 होगा। जैसे कहने का मेरा मकसद सिंपल सा है कि मान लीजिए डिटरमिनेंट है इसका रो में 0 0 है, ठीक है, यहाँ ए बी सी ई एफ जी कुछ भी हो, ठीक है ना, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा जी, समझे बात को, चाहे रो में हो या कॉलम, कोई भी रो हो या कोई भी कॉलम में, तीनों एलिमेंट अगर 0 हो या सब 0 होगा, 0 ही हो जाएगा, ठीक है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ए बी सी है, यहाँ 0 0 0 है, यहाँ एफ जी है, समझे बात को, तो इसका वैल्यू क्या होगा 0, क्लियर। तो ये प्रॉपर्टीज है, इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ एनी वन ऑफ द रो एंड कॉलम आर 0 देन डिटरमिनेंट भी 0, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 8 की तरफ, प्रॉपर्टीज नंबर 8, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, देखेंगे वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यहां ध्यान दीजिए मैंने लिखा है अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी 0, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 0 होगा, कब, इफ इट्स ऑर्डर इज ऑड, यदि उसके ऑर्डर क्या मिले ऑड हो, ऑड कहने का मतलब 3/3 के ऑर्डर के हो, 5/5 के ऑर्डर के हो, या 7/7 मतलब ऑड ऑर्डर के होना चाहिए, ठीक है, तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा 0 होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, ठीक है, जैसे मान लीजिए ए का वैल्यू आपको पास मैट्रिक्स दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, 0 - a है ना, बी यहां पर ए 0 c यहां पर -b - c 0, आप इस मैट्रिक्स को देखिए ये एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं, मैंने मैट्रिक्स में बताया है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता दूं, ये जो मैट्रिक्स है वो एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कैसे, डायगोनल 0 है ना, और इसके जो नैन डायगोनल एलिमेंट पोजिशन के जो यहां पर ये जो एलिमेंट है वो सेम और अपोजिट है, चाहे कहीं की बात कर लो, दोनों सेम है लेकिन एक अपोजिट का है, सेम है लेकिन एक अपोजिट का है, सेम है अपोजिट का है, तो ऐसे कंडीशन को हम सिंपली पकड़ लेते हैं कि ये क्या होता है एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, तो ए मैट्रिक्स एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है,
तो अगर जब हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे ना तो क्या होगा, जीरो आएगा। कैसे सर, कैसे बोल दिए? क्योंकि देखो इसका ऑर्डर देखो, कितने ऑर्डर का, थ्री बाय थ्री का है ना, टू बाय टू का, माइनस यहां पर बोला ऑड ऑर्डर होना चाहिए, गौर करना जी। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो। आप देख सकते हो एक्सपेंड करके, ठीक है। देखो दिखाता हूं मैं आपको, जीरो लो, डिलीट डिलीट ये सर, जीरो जीरो है ना, यहां पर मिलेगा माइनस सी को, जब यहां से सी से गुणा करोगे तो माइनस सी स्क्वायर, अभी जो माइनस होता है तो प्लस का सी स्क्वायर। फिर यहां नंबर लेंगे, यहां प्लस होता है यहां माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा, डिलीट डिलीट डिलीट, ए सी माइनस बी जीरो, इसको गुणा करिए क्या मिलेगा, जीरो इंटू ए जीरो माइनस, ठीक है, बी माइनस बी इंटू सी, तो माइनस बी सी, यहां पर माइनस होता है तो प्लस बी सी, ठीक है। फिर बी लीजिए, प्लस बी लेगा, डिलीट डिलीट, ए बचा जीरो बचा है ना, माइनस बी और सी, तो पहले से गुना, माइनस हो जाएगा ए सी, माइनस हो जाएगा ए सी, पीछे माइनस बी इंटू जीरो जीरो, ठीक है। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि देखिए जीरो आता है कि नहीं, ये पूरा जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा जी। ए है यहाँ बी सी, तो प्लस का ए बी सी मिलेगा यहाँ पर, ये जीरो माइनस ए सी यहाँ बी सी, तो माइनस ए बी सी देखिए है ना, ये पूरा कट गया, ठीक है। तो ये आपको जीरो मिलेंगे। तो ऐसा मैं आपको बताने का मकसद क्या है कि प्रॉपर्टीज आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। माइंड में रहेगा प्रॉपर्टी तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको जीरो है, नहीं तो परेशान हो जाओगे, बनाने में लगभग दो मिनट लगेगा ना, और जानोगे तो एक सेकंड हो जाएगा काम के, यहाँ जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, प्रॉपर्टीज नंबर नाइन देखेंगे। लेट ए इज इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स है ना, डायगोनल मैट्रिक्स आपको दिया रहे, ठीक है, या आपको ऐसा लिखा रहेगा डी आई इज ए डायगोनल डी वन डी टू डी थ्री, ठीक है ना, और इसका डिटरमिनेंट निकालना, देन ए का डिटरमिनेंट मतलब इसका डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट निकालने जानते क्या करना, वो सिंपल सा डायगोनल्स को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे डी वन इंटू डी टू इंटू डी थ्री, यानी प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दिखा दूं, ठीक है, ए इज इक्वल टू आपके पास लिखा हुआ डायगोनल थ्री फाइव सेवन, ठीक है। तो अगर इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ जाए तो क्या लिखोगे, ये थ्री इंटू फाइव इंटू सेवन बस, ठीक है, तीन पच पंद्रह गुना सत्तर, पंद्रह सत्तर पचहत्तर से एक सौ पांच, क्लियर, सिंपल सा निकल जाएगा। जानेंगे तब ना कि प्रॉपर्टीज के डायगोनल के किस तरह निकालते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, डायगोनल के एलिमेंट्स को क्या करना है, गुणा कर लेना है, क्लियर। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज नंबर टेन देखेंगे जी। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो, यदि प्रत्येक एलिमेंट ऑफ रो या कॉलम का एलिमेंट इन सम है ना, किसी रो का या किसी कॉलम का जो प्रत्येक एलिमेंट है ना वो सम के रूप में हो, प्लस किया प्लस प्लस के रूप में हो, ठीक है, देन इट कैन मेक, तब इसे बनाया जा सकता है टू और मोर डिटरमिनेंट्स। तो इसको दो या दो से ज्यादा डिटरमिनेंट हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, रो या कॉलम, कोई भी रो हो सकता है कोई भी कॉलम हो सकता है, समझे बात को। तो देखिए क्या कैसा बना सकते हैं आप, ये डिटरमिनेंट है इसको हम बना सकते हैं, देखो इस तरह से पहला एलिमेंट लीजिए एक्स वाई जेड, ठीक है, फिर जो है ना उसको कॉपी कर लीजिए ए बी सी डी ई एफ प्लस दूसरे वाले एलिमेंट अल्फा बीटा गामा, फिर इसी तरह कॉपी कर लीजिए ए बी सी डी ई एफ, क्लियर। तो आप ऐसा डिटरमिनेंट बना सकते हैं, किसी रो या किसी कॉलम में अगर जुड़ा हो तो दो डिटरमिनेंट या दो से ज्यादा डिटरमिनेंट बना सकते हैं। जैसे कॉलम का भी समझा देता हूं आपको, ठीक है, इसको भी सॉल्व करेंगे अपना है ना, तोड़ने का बता रहा तरीका। मान लीजिए यहां पर है ए है बी है सी है पी प्लस क्यू आर प्लस एस यू प्लस बी, यहां पर वन थ्री फाइव कुछ भी हो सकता ना। तो देखिए ये डिटरमिनेंट है ना, हम इससे दो डिटरमिनेंट बना सकते हैं क्योंकि किसी रो या रो नहीं है तो कॉलम में तो सब ऐड हो ना इसमें, ठीक है। तो देखिए कैसे लिख सकते हैं उसको, ए बी सी लिख लिया फर्स्ट एलिमेंट पी आर यू, फिर इसको वन थ्री फाइव
प्लस, फिर क्या होगा बता सकते हैं? फिर वही लिखेंगे है कि नहीं, ए बी सी, फिर क्या लिखा आएगा, क्यू एस भी 135। ठीक है, क्वेश्चन जब बनाएंगे ना तो आप इन सब प्रॉपर्टीज को कभी कभी यूज कर सकते हैं, देखेंगे कंडीशन के हिसाब से, है ना, तो आपको काफी यूजफुल होगा जी। ठीक है, चलिए, थैंक यू जी।